नारी शक्ति नई उड़ान द्वारा भव्य राजस्थानी कार्निवल का आयोजन 22 दिसंबर को चन्नी रोड में स्थित विल्सन स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में 2018 में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित रुमा देवी फैशन डिजाइनर, मंगल प्रभात लोढ़ा MLA और मंजू लोढ़ा गृहिणी कवित्री समाज सेविका थी। इस अवसर पर ऐसे लोगों को पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया जो किसी न किसी कारण शारीरिक रूप से असमर्थ थे, पर उन लोगों ने अपने हौसलों से अपने सपनों को पूरा किया और लोगों के लिए प्रेरणा के उदाहरण बने। उषा जी और उनकी पूरी टीम ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। स्कूल का परिसर पूरी तरह से राजस्थान रंग में रंग गया था। लोगों ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। पेश है इस कार्यक्रम पर हमारी विशेष रिपोर्ट। नारी शक्ति नई उड़ान बहुत ही अच्छी टैगलाइन है और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। जो अभी विकलांग में उनको सम्मानित किया है तो ये बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि ये उनको हौसला बढ़ता है और उनको जो देख के जो ये निश्चित कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देख के वो ज़रूर ये सोचेंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम जो भी होते हैं ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि लोगों को प्रेरणा मिलती है कुछ करने की। जिन्होंने अपनी अपनी स्टोरी बताई उनसे जो महिलाएं यहाँ पे सुन रही थी उनको लगता है कि हम भी कहीं कहीं कुछ करेंगे जाके। पैसे तो घर में है लेकिन वो खुद एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि हम घर में बैठे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकालें, लेकिन कुछ लोगों के लिए अपन करेंगे तो उनकी दुआएं हैं जो हमारे साथ में रहेगी। तो ये उषा जी ने और मंजू जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, यहाँ पे महिलाओं को आगे लाने की पहल की है। ये बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इनके और एक अच्छी सोच के साथ में और आगे अच्छा काम करते रहें। जहाँ देखते हैं कि वहाँ पे लोग बहुत ही इच्छुक हैं तो वहाँ जाना हमारा फर्ज है क्योंकि आज मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे नहीं पता कि ये कार्यक्रम कैसा हो रहा है। आज यहाँ पे लोगों से मिल के बहुत कुछ हुई, मुझे कुछ सीखने को मिला तो इन लोगों को भी कुछ सीखने को मिला। और राजस्थानी ड्रेस में सजे धजे यहाँ पे बॉम्बे में ऐसा लग रहा था कि पूरा राजस्थान है यहाँ पे। रुमा जी, कई महिलाएं हैं जो आपको अपना आदर्श मानती हैं, लेकिन आप किसे अपना आदर्श मानती हैं? ऐसी कोई महिला है जिसका नाम आप बताना चाहेंगे जिसे आप फॉलो करती हैं, जिससे आप प्रभावित हैं अपने आम जिंदगी में? वैसे तो काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो अपने आप में बहुत ही बड़ी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आज तो मैं मंजू जी से बहुत जी मैम क्या कहना चाहेंगे रुमा जी, आपके इस कार्यक्रम में आए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम जब हाथ में लिया करने का, एक खाली एक एग्जीबिशन टाइप करने की सोची थी, फिर मुझे जो प्रेरणा मिली कि इन लोगों का मुलाकात करना, तो मैं घर घर उनकी जो भी फिजिकली चैलेंज है उनके घर पे गई, इंटरव्यू लिया। ऐसा लगा कि मैं इनको कैसे भी मंच पे लाएं और ये लोग कोई भी आना नहीं चाह रहे थे, पर उनको मैंने कन्विंस किया, उनका वीडियो लिया, उनको प्रोत्साहित किया। मैंने कि आप आओगे तो चार लोगों को प्रोत्साहित होंगे जो नहीं कर पा रहे, तो उनको लाने की पूरी कोशिश की। तो आज मेरे रुमा जी आने के बाद और चार चांद लग गए प्रोग्राम के, सारे लोगों ने, मैं सुबह से देख रही हूँ कि माहौल इतना अच्छा बन गया और शाम का कार्यक्रम का उससे भी अच्छा बन गया। और इनका पूरा पूरा धन्यवाद देती हूँ रुमा जी को, मंजू जी को, जो हमेशा सपोर्ट किया। रुमा जी का तो मेरा बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि वो आएंगी, मैंने इनका परमिशन लिया बैनर लगाने के लिए, परमिशन लिया इनके पोस्टर्स करने के लिए, तो मेरे को डर थी कि कहीं ये गुस्सा हो जाएंगे, पर मेरा बहुत साथ देके खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। मैम, ये प्रोग्राम कितने सालों से, मतलब जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं कितने सालों से कर रहे हैं और इसका नाम है नारी शक्ति नई उड़ान, ये नारी शक्ति नई उड़ान, ये नाम आपने कहाँ से क्या सोच के निकला? ये मैंने खुद अपने गांव के लेडीज़ों को देखा कि पूरी ज़िंदगी उनकी सब इन लॉज के लिए, पियर वालों के लिए, सबके लिए कर रही हैं, क्यों ना मैं कुछ, मैं काफ़ी संस्था से जुड़ी हुई हूँ तो उस संस्था से मैंने जो सीखा है तो मैं इनको प्लेटफॉर्म दूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, उनकी खूबियों को बाहर लाऊं। नारी शक्ति नई उड़ान 3 साल हो गए खोल के, मेरी खुद की सांचौर की ग्रुप है, बाकी बाहर के नहीं हैं।
और 45 प्लस की लेडीज है अच्छे से एक्टिव हो गई है कि अभी जब भी प्रोग्राम के तत्पर रहती है कि अगला प्रोग्राम क्या होगा। तो ये हर साल के 3 प्रोग्राम बड़ा लिया मैंने, पहले इनको भाषण प्रतियोगिता सिखाया फर्स्ट प्रोग्राम में, सेकंड प्रोग्राम में हमारे गीतों का कार्यक्रम रख के उनको सिखाया, ये तीसरा प्रोग्राम, ये मेरा सपना पूरा हो गया आज का कार्निवल का। कितने लोगों का सम्मानित किया आपके फाउंडेशन? ये पहली बार हुआ है ये कार्यक्रम, आज 9 जनों का सम्मान किया है, ये है फिजिकल चैलेंज वालों को, बाकी डोनर्स का। और सुबह में सारिका जी आई थी, इनकम टैक्स डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर है, और सेलिब्रिटी होस्ट आई थी सिमरन आहूजा, मंजू जी भी सुबह भी पधारी हैं, और कुल मिला के 15-20 जन का यहाँ पे स्वागत हो चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे, नारी शक्ति नई उड़ान ने इस तरह से शानदार कार्यक्रम आयोजन किया, रुमा जी भी आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे संस्था को? मैं तो सबसे पहले उषा जी को बहुत बहुत इस चीज़ के लिए बधाई देती हूँ और इनकी सारी टीम का अभिनंदन करती हूँ कि हमारी जो महिलाएं कि अक्सर हमारे घूंघट में ही छिपी रहती थी, आज उस घूंघट में छिपी रूढ़िवादिता का स्थान आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की रोशनी ने ले लिया। वैसे महादेवी वर्मा ने कभी कहा था कि विस्तृत नभ का कोई कोना कभी न मेरा अपना होगा, लेकिन आज की इन सब नारियों को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि विस्तृत नभ का कोना कोना तो मेरा अपना होगा, और ये इन नारियों ने आज ये सिद्ध कर दिया। और उषा जी को मैं हमेशा बोलती हूँ आप खूब आगे बढ़ो, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, बस अपने टैलेंट को छुपाओ मत और इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, और एक नारी ही एक नारी को आगे बढ़ा सकती है, तो ये कोशिश इनकी बहुत अच्छी है।